सो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से iOS 16 का थीम को परमानेंटली अप्लाई कर सकते हो Realme, Oppo या फिर OnePlus डिवाइस के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइस, जब भी हम लोग किसी भी पेड थीम को अप्लाई करते हैं तो गाइस वो जो थीम है हमारे फोन पे 5 मिनट के लिए अप्लाई होते हैं, देन हमारे गाइस स्क्रीन पे एक 5 मिनट का जो ट्रेल है वो शो कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से Realme, Oppo एंड OnePlus डिवाइस के अंदर किसी भी पेड थीम को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। गाइस सर, ये जो ट्रिक होने वाली है सर बिल्कुल फ्री वाली ट्रिक होने वाली है सर, आपको थीम स्टोर के अंदर एक भी रुपया पे नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस सर, पूरी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, इस वीडियो को स्किप मत करना। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल अर्जुन राजवंशी। चैनल पर नहीं तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल पे आएगा बेल का आइकन उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने इधर थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, देन जैसे आप इधर थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करोगे के गाइड नो स्किप करनी, देन न्यू वाले ऑप्शन पर आना है। एंड यहां पर गाइस आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहां पर आपको एक चेक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस आपके जो थीम स्टोर इस पर एक अपडेट आ रखी होगी, सिंपली आप लोगों ने अपडेट कर लेनी है। सो गाइस मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर वेट करते गाइस थीम स्टोर एप्लीकेशन को अपडेट होने दे लेते हैं। सो गाइस फाइनली जो थीम स्टोर एप्लीकेशन ये अपडेट हो चुका है, उसके बाद गाइस एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो चुका है। सो गाइस सर, जैसे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपली यहाँ पर सर्च बार पर टैप करनी है, देन यहाँ पर आईफोन 14 प्रो सर्च करना है। एंड उसके बाद गाइस ये जो फर्स्ट वाली थीम आएगा, सिंपली आप लोगों ने इस थीम को सिलेक्ट करनी है, देन यहाँ पर फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों ने क्या करनी है देखो। सो है गाइस, जैसे आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, एंड उसके बाद सिंपली आप लोगों ने 5 मिनट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद इस थीम को आप लोगों ने अपने फोन पे अप्लाई होने दे लेना है। सो गाइस, जैसे ये जो थीम है गाइस आपके डिवाइस के अंदर सक्सेसफुली अप्लाई हो जाते हैं, देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है देखो। सबसे पहले गाइस सर, आप लोगों ने अपनी बैकग्राउंड से सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर लेना है। देन यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, मतलब गाइस टैप करना है थीम स्टोर के अंदर, देन आ जाना है यहाँ पर एफ इन्फो के अंदर। एंड उसके बाद गाइस सर आप लोगों ने देखिए क्या करनी है। सो गाइस आप लोगों ने इधर गाइस सर क्लिक करनी है स्टोरेज वाले ऑप्शन पर, देन इसका जो डेटा है गाइस इसको सिंपली आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। देन एक बारी बैक आनी है, देन गाइस यहां पर आप लोगों ने क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस सर आप लोगों ने देखिए क्या करनी है, सिंपली जो बैकग्राउंड डाटा इसको इस तरह से ऑन कर लेना है, देन एक बारी बैक आनी है, सही है। एंड उसके बाद गाइस सर आप लोगों ने क्या करनी है देखो। सबसे पहले तो गाइस सर इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है, ताकि गाइस सर जो 5 मिनट का एरर है वो देखने को ना मिले, सही है। गाइस हम लोगों ने फोर्स स्टॉप भी कर दिया है। देन उसके बाद आप लोगों ने गाइस इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन जैसा इधर 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनइंस्टॉल अपडेट, इस पर क्लिक करके सिंपली आप लोगों ने ओके कर देनी है। देन एक बार इस तरह से बैक आनी है। एंड उसके बाद गाइस सर आप लोगों ने क्या करनी है, गाइस मैंने आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है गाइस, ठीक है। सिंपली गाइस सर आप लोगों ने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो सो गाइस चलिए मैं यहां पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। गाइस एप्लीकेशन का नाम है जेड मोड प्रो। सो गाइस जैसा आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो, देन यहां पर देखो एक्टिवेट परमानेंटली लिखा रहेगा, इस पर टैप करनी है। देन एक एड आएगा, तो सिंपली एड नो वॉच कर लेनी है, सी है। तो गाइस यहां पर अभी ये प्लीज वेट करने के लिए बोल रहा है, यहां पर गाइस एड लोडिंग कर रहा है। सो गाइस यहां पर एड आ चुका है, सिंपली उसके बाद एड को कट करना है, देन यहां पर सिंपली फिर से टैप करनी है, ठीक है। और गाइस इसी ट्रिक से आप Realme, Oppo या फिर OnePlus डिवाइस के अंदर पेड थीम को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने गाइस दोबारा से टैप कर दिया, देन यहां पर देखो डन लिखकर आ चुका है, ठीक है ना, डन लिखकर आ चुका है, मतलब गाइस ये जो थीम है मेरे फोन पे गाइस यार परमानेंटली सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है।